हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, हिंदी बर्ड चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं विकलांग जन निशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल सहायता योजना के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप किसी दिव्यांग व्यक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करके उनकी जो विकलांग साइकिल होती है या जो मोटराइज ट्राईसाइकिल होती है उसे लेने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इस योजना में आपको बिल्कुल फ्री में यह साइकिल दी जाएगी, बस आपको इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो फ्रेंड्स, इस योजना की क्या पात्रताएं होती हैं और आप घर बैठे इसे कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, इन सारी बातों को जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। को शुरू करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और साथ ही साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरीके की वीडियो देखने के लिए इस हिंदी बर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और दोस्तों, साथ ही साथ अगर आपने बेल के आइकन को नहीं दबाया है तो बेल के आइकन को भी दबा लीजिए, इससे क्या आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो फ्रेंड्स, इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए या फिर इस योजना की पात्रताओं को जानने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आना होगा और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप यहां पे आएंगे तो आप नीचे चले आइए, यहां पे देखिए आपको सबसे पहले निःशुल्क मोटराइज ट्राईसाइकिल योजना के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आप ये साइकिल देख लीजिए कि ये साइकिल होती कैसी है। यहां पे देख लीजिए, बहुत सारे लोगों ने इसको देखा होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो मोटराइज ट्राईसाइकिल है ये सभी जो दिव्यांगजन व्यक्ति हैं उन सभी के लिए दिया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसकी पात्रताएं जान लेते हैं कि किस व्यक्ति को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, यहां पे जब आप नीचे आएंगे तो यहां पे इसकी कुछ पात्रताएं लिखी हुई है। चलिए मैं पात्रताएं आपको यहां पे बता देता हूं। तो यहां पे देखिए पात्रता लिखी है, तो सबसे पहले जो आवेदन करता है वो विकलांगता की श्रेणी में आना चाहिए, जो दिव्यांगता है उसकी श्रेणी में आना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स, जो मोटराइज ट्राईसाइकिल योजना है इसका लाभ लेने के लिए जो दिव्यांगता का जो परसेंटेज होना चाहिए वो 80% से ज्यादा होना चाहिए, 80% या 80 से ज्यादा होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स, इस जो है साइकिल का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता की जो आयु है वो 16 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। और फ्रेंड्स, अगर कोई छात्र छात्रा है तो उसके लिए पात्रता पहले दी जाएगी। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर कोई विद्यार्थी है पढ़ रहा है तो उसे एक अच्छी जो है ट्राईसाइकिल दी जाएगी जिसका लाभ वह आसानी से उठा सकेगा और वो अपनी आगे की जो पढ़ाई है उसे वो कंप्लीट कर सकेगा। तो फ्रेंड्स, ये उसकी पात्रताएं हो गई। अब बात करते हैं आपको दस्तावेज क्या क्या रखने होंगे। तो फ्रेंड्स, यहां पे नीचे आ जाइए और यहां पे हमने दस्तावेज के बारे में बताया है तो आप नोट कर लीजिए। एक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए, एक निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, एक आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और इसके अलावा बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और फ्रेंड्स ये सारे डॉक्यूमेंट आपको एकत्रित करके अपने पास रख लेने हैं। उसके बाद फ्रेंड देखिए, नीचे बताया गया है आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले यहां पे देखिए लिंक दिया है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ये आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के पेज पे ले जाएगा। तो फ्रेंड चलिए हम यहां पे क्लिक करते हैं और आपको ऑनलाइन आवेदन करके भी दिखाते हैं। जैसे फ्रेंड्स हमने इस पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ये हमें एक और पेज पे ले जाएगा जहां से इसका ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। और फ्रेंड्स यहां पे आप देखेंगे आपके सामने इस प्रकार से ये जो है पेज खुल जाएगा। यहां पे आपको कुछ शर्तें बता रहा है तो आपको शर्तों को पढ़ लेना है और एग्री करना है और अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। अब फ्रेंड देखिए, सबसे पहले यहां पे आपको प्रार्थी का नाम देना है जो कि आवेदन कर रहा है। उसके बाद यहां पे आपको पिता, पति, अभिभावक का नाम देना है। उसके बाद देखिए प्रार्थी की जो जन्मतिथि है वो आपको यहां पे भरनी है। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पे आयु ऑटोमेटिक वर्षों में आ जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स यहां पे आपको जेंडर चुनना है, यहां पे वो महिला है या पुरुष है या अन्य है वो आपको बताना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहां पे आपको पता भरना है, सबसे पहले उसका जनपद आएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहां पे उसकी तहसील आ जाएगी। इसके बाद यहां पे उसका जो ग्राम का प्रकार आ जाएगा कि वो ग्रामीण है या शहरी है तो वो आप यहां से चुन ले। उसके बाद फ्रेंड उसका ब्लॉक क्या लगता है वो आपको यहां पे भरना है, उसकी ग्राम पंचायत, उसका गांव। उसके बाद फ्रेंड्स यहां पे न्याय पंचायत आपको भर देनी है, अपना डाकघर, मकान नंबर, गली, लोकेलिटी, पूरा पता, पिन कोड, मोबाइल नंबर। फ्रेंड्स यहां पे जिन पे स्टार मार्क नहीं है वो मैंडेटरी नहीं है, आप वो छोड़ सकते हैं, लेकिन जिनके ऊपर स्टार मार्क है वो आपको भरना कंपलसरी है।
उसके बाद फ्रेंड्स आप नीचे आएंगे, यहां पे देखिए आपको अपनी जाति बतानी है, आप ओबीसी हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं। उसके बाद जाति का प्रमाण पत्र का जो क्रमांक है वो आपको यहां पे देना है, और फ्रेंड्स यहां पे प्रमाण पत्र का क्रमांक यहां पे सॉरी और आवेदन क्रमांक यहां पे, ये आपको डिजिटल जाति प्रमाण पत्र के ऊपर लिखा मिल जाएगा, आप वहां पे ध्यान से देखेंगे, सो वो आपको यहां पे डाल देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहां पे आपको बताना है कि जो प्रार्थी या प्रार्थनी है वो अल्पसंख्यक है, अगर वो अल्पसंख्यक से आते हैं तो हां करना है, नहीं आते हैं तो नहीं करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पे लिखा है यदि प्रार्थी या प्रार्थनी का व्यवसाय है, तो फ्रेंड्स यहां पे कोई व्यवसाय है तो डाल दीजिए, और बेरोजगार है तो बेरोजगार चुन लीजिए। उसके बाद फ्रेंड नीचे लिखा है प्रार्थी प्रार्थनी के व्यवसाय का विवरण, अगर कोई है तो डाल दीजिए। उसके बाद फ्रेंड उनकी कोई मासिक आय है तो मासिक आय भर दीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स यहां पे आपको उनका जो आधार नंबर है, जो यूडीआईडी नंबर है, वो आपको यहां पे डालना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहां पे उत्तर प्रदेश में निवास कब से कर रहे हैं तो वो आपको बताना है, जन्म से कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, तो वो आपको यहां पे डाल देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहां पे लिखा है सरकार के देय अनुदान के अतिरिक्त धनराशि का स्रोत कोई है तो बताना है। उसके बाद फ्रेंड्स प्रार्थी या प्रार्थनी की दिव्यांगता का प्रतिशत कितना है वो आपको यहां पे देना है। फ्रेंड जैसे ही मैंने आपको बताया कि 80% से अधिक लोगों को ही यहां पे साइकिल मिलेगी, उससे कम अगर आपका परसेंटेज है तो नहीं मिलेगी। उसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे आना है और यहां पे दिव्यांगता प्रमाण पत्र को अपलोड करना है। इसके बाद यहां पे निवास प्रमाण पत्र को अपलोड करना है। उसके बाद यहां पे आय प्रमाण पत्र को अपलोड करना है, आधार कार्ड को अपलोड करना है, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र को अपलोड करना है, और यहां पे शैक्षिक संस्था द्वारा कोई प्रमाण पत्र है तो उसे यहां पे अपलोड करना है। फ्रेंड्स यहां पे आप आधार कार्ड में कोई और कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं, यहां पे देखिए अन्य प्रमाण पत्र भी लिखा है तो वोटर कार्ड वगैरह भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पे आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है और यहां पे आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं, तो फ्रेंड फोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आप नीचे आएंगे तो यहां पे आपको बताना है कि मैं पुष्टि करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य है, सो यहां पे आपको चेकमार्क लगाना है, और चेकमार्क लगाने के बाद ही आपको यहां पे सबमिट कर देना है। फ्रेंड्स ध्यान रखें यहां पे जो भी आप जानकारी दें वो सही और सटीक दें, अगर आप गलत जानकारी देते हैं तो आपके आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहां पे आपको आवेदन भर के सबमिट करना है, सबमिट करने का रेफरेंस नंबर मिल जाएगा और आवेदन आपका जांच प्रक्रिया में चला जाएगा। कुछ दिनों के बाद फ्रेंड्स सत्यापन हो जाएगा, तो सत्यापन होने के बाद आपको बुलाया जाएगा और इसकी जो साइकिल है वो आपको प्रदान कर दी जाएगी। तो फ्रेंड्स ये एक आसान और सरल प्रोसेस है इस योजना में आवेदन करने का। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप फटाक से ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए अपने मोबाइल या कंप्यूटर से। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और इस प्रकार से आप इस योजना के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर फ्रेंड्स आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।